हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीन। लालीगा लीग का मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा एथलेटिक बिलबाओ वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड के बीच। आज बहुत मैच है भाई, पहले प्रीमियर, फिर बंडसलीगा, फिर लालीगा का था मतलब लालीगा का मैच जो हम कवर कर रहे हैं, फिर सीरी ए लीग, फिर रात को फिर लालीगा लीग। तो मतलब बहुत मैच है आज, बस आराम से खेलो। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं, तो बात करें इस मैच की, तो एथलेटिक बिलबाओ और एथलेटिको मैड्रिड में वी हैव टू फेवर एथलेटिको मैड्रिड। ये टीम ना मतलब बिलबाओ से बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। और दूसरी बात की, अभी एथलेटिक बिलबाओ जो लास्ट सीज़न थी वही इस सीज़न है, मेरे को कुछ बदलाव देखने को नहीं मिले। एक आध प्लेयर का चेंज है जो हम मतलब देख लेंगे। और एथलेटिको मैड्रिड की बात करूं, इनका थोड़ा चेंज हुआ है भाई, सोरलोथ ऐड हुआ है इनकी टीम में, बहुत बड़ा खिलाड़ी स्पेन का ही और स्पेनिश लीग ही है, और पहले भी स्पेनिश लीग में था, बस फ़र्क इतना था वो दूसरी टीम में खेलता था। तो मेरे को चीज़ अच्छी लग रही है, मेरे को एथलेटिको मैड्रिड थोड़ी पावरफुल दिख रही है, इनके पास अनगिनत स्ट्राइकर्स हैं आज। और आगे चलते हैं, तो बात करें स्ट्राइकिंग की, देखिए भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन में लोग जैसे एथलेटिक बिलबाओ के इतने से मैच हुए, तीन मैच हो चुके हैं सीज़न के, चौथा मैच है, एक भी मैच में गोल नहीं आया। तो यार मैं कहता हूँ अगर ये आज गोल कर भी जाता है, चलो मैं लूँगा, मैं रिस्पेक्टिवली इसके साथ जा रहा हूँ, लेकिन इस बंदे में दम नहीं है। मैंने देखा है कि नाकी विलियम्स जो आज से 2021-22 में हुआ करता था वो चीज़ अब इसमें नहीं है, ये तो हमने देखा है। तो इसलिए जस्ट इसको टीम में लो, कप्तान बनाने के मतलब बारे में सोचो भी मत। मैं कह रहा हूँ अगर बंदा चार मैच में एक गोल कर रहा है या पाँच मैच में एक गोल कर रहा है तो 20 मैच में कितने कर लेगा, टोटल चार गोल, तो ये कुछ भी नहीं है भाई, ये गोल रेशियो 20% भी नहीं है। तो मैं इस हक में नहीं हूँ, मैं इसको टीम में ले रहा हूँ बट कैप्टन वैप्टन नहीं। उसके बाद ग्रिज़मन की बात करें, हाँ ग्रिज़मन का हम फ़ैन भी रह चुके हैं भाई, ऐसी बात नहीं, जिस टीम में पहले भी था और काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ एथलेटिको मैड्रिड के साथ, तो एक्सपीरियंस की तो कमी रहने से रही। उसके बाद सोरलोथ का बस टीम चेंज हुआ है, हालाँकि कोई होम अवे का कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, आँख बंद करके लो। नया प्लेयर जूलियन एल्वरेज ऐड हुआ है, बट जूलियन भी कई बार हिचकिचा जाता है, मैं क्लियर कर दूं, लेकिन सोरलोथ नहीं, सोरलोथ के पास एक्सपीरियंस है, उसके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, इससे भी ज़्यादा स्किल्स हैं मेरे हिसाब से, सो मैं इसके साथ हूँ। एंड मिडफील्डिंग की बात करें तो लॉरेंट को लूँगा, लीनो जो है वो थोड़ा दब के खेल रहा है मैं देख रहा हूँ इन दिनों, और कॉक का इसलिए एक आध गोल आ गया शायद कोइंसिडेंसली कि वहाँ पर चांस मिल गया होगा, हालांकि ये खुद एक चांस क्रिएटर है, सो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई अन्य खिलाड़ी रेगुलर चल सकता है, मतलब अब कैसे गैलगर हो गया, लेमर हो गया, रिकलम हो गया, पीबेरियस हो गया, मुझे नहीं लगता, सो मैं लेने के हक में नहीं हूँ। उसके बाद ऑपोजिशन टीम में वो सेंसर को लूँगा, लेकिन नीको विलियम्स कैसे छोड़ो, नीको विलियम्स को यार, नीको विलियम्स को इंटरनेशनल खेलते देखा है यार, वो भी अपनी आंखों के सामने शॉट ऑन टारगेट्स लगाते देखा है कि सीधा गोल वगैरह इसको क्रिएट करते देखा है, लेकिन इस बंदे की ना एक रिप्लेसमेंट है मेरे पास, ए डजेलो, इसको ज़रूर लेना यार। ग्रैंड लीग वाले मेरे भाई जो हैं वो ध्यान से सुन लें कि डजेलो का गोल आ सकता है, मुझे ये बात पता होने के बावजूद मैं नीको विलियम्स के चक्कर में उसको नहीं ले पा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं स्मॉल लीग खेल रहा हूँ, तो मैं रिस्क ले मतलब नहीं ले रहा, ठीक है। एंड अगर बात करें डिफेंडिंग सेक्शन की, तो ए विट्सल, आर्लेन ऑरमेंड जो पहले रियल सोसाइटेड में था और यहाँ पर अपनी जगह पक्की करके बैठ गया, यहाँ पर अच्छी बात है। एसबी लूटा को लेंगे, एसबी लूटा के बाद जे जिमेनेस इफ ही प्लेज, मैं चाहता हूँ मौलिना की जगह पर जिमेनेस खेले। और बात करें गोल कीपिंग की, तो जे आजिर के साथ जा रहा हूँ, जे आजिर जबेला के पास एक्सपीरियंस है और खेलने का तौर तरीका सही है, बट अब बाकी उनाई सीमन तो मेन है, अगर सीमन खेलेगा तो मुझे और खुशी होती। तो बात करें कैप्टन की, माय कैप्टन वाज ग्रिज़मन, वाइस कैप्टन वाज सोरलोथ, दिस इज़ माय टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।